चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सर्विस रोड यहाँ के लिए बहुत जरूरी और ग्रास रूट लेवल की नीड है। अगर इसे प्रशासन समझ ले तो बहुत बढ़िया, नहीं समझेगा तो भाई किसान आम जनता है, उसके पास और कोई चारा तो है नहीं। सड़क बनवा दी इतनी बड़ी बड़ी के फायदा है विकास का? जब हमें छोटी छोटी सड़क तो मिलने की नहीं, हमें उतरने का रास्ता तो मिलने का नहीं, क्या फायदा होगा इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाएगा ना? जब रास्ता हमने दे दिया, जमीन हमारी चली गई, मिट्टी फ्री दे दिया, और इससे ज्यादा क्या लोगे? लिखतम में अगर सर्विस रोड मिलेगा तो हम उठेंगे, नहीं तो हम उठ नहीं पाएंगे यहाँ से। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला सामली के गांव बलवा में हैं, और गांव बलवा का ये सामली बाईपास है। यहाँ पर जो है किसान फ्लाईओवर की दोनों तरफ सर्विस रोड की मांग को लेकर जो है धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर हम जो आसपास के जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं धरने पर बैठे, उनसे हम बात करेंगे कि भाई उन्हें क्या दिक्कतें होगी अगर उनको सर्विस रोड नहीं मिलती है। जी, आपका नाम? मोहम्मद जिसान जी। यहीं से आप इसी गांव से? गांव वाले। अच्छा, किसान यहाँ क्यों आज धरने पर इकट्ठा हुए हैं? मतलब इसलिए हुए जी, अब हमारे यहाँ अंडरपास है दो, और बरसात के टाइम पे रास्ते जो है बरसात में बंद हो जाते हैं, और हमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़े। हमें अंडरपास में मेहमान आवे तो परेशानी, कोई भी आवे तो परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमें सर्विस रोड के लिए ये आवाज़ उठाई, किसान यूनियन वाले हैं, सब किसान ही बैठे हैं यहाँ, हमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है यहाँ पे। और 10-12 हज़ार आबादी का हमारा गांव है, 10-12 गांव पड़ते हैं इसमें। रसूलपुर पड़ता है, मल्लीपुर खेड़ा पड़ता है, और लिलोन सिमाड़गा जैल, ये सब गांव इस रास्ते से पास हो के जाते हैं जी। तो ये जैसे फ्लाई ओवर बन रहा है, तो इधर भी अगर एक ही आदमी का खेत है, इधर भी एक किसान का खेत है, तो अगर उसे इस साइड से उस साइड जाना होगा, तो अगर सर्विस रोड नहीं बनते हैं तो उसको कितना समय अपने दूसरे खेत में जाने में लगेगा फिर? कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो कैसे कैसे जाना होगा थोड़ा सा? ऐसे जाना पड़ेगा जी, यहाँ से गेट पे जाना पड़ेगा, चौराहे पे जो मेन दिल्ली रोड है, और ऐसे घूम के लिलोन में आना पड़ेगा, फिर लिलोन में से बड़वे आना पड़ेगा, जिसमें कि गाँव के नज़दीक रास्ता पड़ता है। तो और क्या दिक्कतें होती है? जैसे अभी अंडरपास में पानी भरता है, शादी हो गई यार, ने सामान भी तो आवेगा, लड़कियों का, वो लड़कियों का सामान कहाँ को आवेगा बताओ? परे को रास्ता तंग है, उधर को गाड़ी नहीं आ सकती, परेशानी तो है ही, परेशानी तो हर चीज की है यहाँ। ये भी किसान ने तो है ही, किसान ने तो है ही, लड़कियों की शादी भी तो होनी, इनका सामान आवेगा कैसे, जाएगा कैसे? दूर का रिश्तेदार आवे वो कहाँ को आवेगा बताओ? लेकिन अंडरपास में पानी हो जाए इतना, गाड़ी भी तिराए आना तो 10 फुट पानी हो। लेकिन जब से अंडरपास बना है तो सबसे ज्यादा परेशानी इसी की है, जो अंडरपास बने इनकी परेशानी हद से ज्यादा है, इससे ज्यादा तो परेशानी बनी नहीं कहीं भी। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं गाँव बलवे का रहने वाला हूँ। 96 दिन तो धरना मिल में रखा धर के, और जो है यहाँ भी बैठे 3 दिन से, लेकिन सरकार को भी और जो है डीएम प्रशासन को भी कुछ जो है मतलब रात दी नहीं मारता है क्या, अगर भाई सर्विस रोड दे देंगे, सर्विस रोड हम लेकर आएंगे, या चाहे हो जाओ कुछ भी घर का घेर कर देंगे। प्रॉब्लम अंडरपास की है, मेरे गांव में 3 अंडरपास है, गुगेश्वर महादेव पे एक, बड़वा गेट का एक, लिलोन वाले रास्ते का, 3 अंडरपासों में पानी भर जा, और पानी की समस्या के कारण हम यू रास्ता भी लेने लग रही है अपना, इसी यू सबसे मेन कारण है मेरे, मतलब जो ये 3 अंडरपास है, जो पानी भरे यू हमारा मेन है। अच्छा, इसलिए हमें यू रास्ता लेना पड़ रहा है अपना। विकास हो रहा है, विकास में क्यों बाधा बन रहा है? विकास हो रहा है, बताओ आप ही देख लो कि विकास हो रहा है। यू सड़क बनवा दी इतनी बड़ी बड़ी, के फायदा है विकास का? जब हमें छोटी छोटी सड़क तो मिलने की नहीं, हमें उतरने का रास्ता तो मिलने का नहीं, क्या फायदा होगा इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाएगा ना? हमारा तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ तक, जबकि जमीन इसी गाँव के किसानों की ली गई है, और उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है कि भाई वो अपना आराम से एक खेत में दूसरे खेत में जा सके। वो काम हो रहा, टैट भी अपना, रसगुल्ले भी अपने, और पनीर भी अपना, और खाने को मिल नहीं रहा। वही काम है, जमीन अपनी, धरती अपनी दे दी, मंदे भाव में दे दी, और फिर भी हमारे पे एंठे ऊपर थे। वो कहते हैं कम से कम 25-30 एप्लीकेशन DM के पास चली गई इस बारे में, और इस बारे में मंत्री जी के भी पास गए, वहाँ से भी कुछ आश्वासन नहीं मिला, कहीं से इसका आश्वासन नहीं मिल रहा। हमें तो यू जो धरना रखा, बिल्कुल मजबूर होकर रखा, और पूरे गांव की एकता है इसमें, कई गांवों की एकता है, लिलोन है इसमें, खेबरम खेड़ा है, रसूलपुर है, झाल है, कई गांवों का रास्ता है यू, और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ बड़वे वालों को है, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़वे वाले आवेंगे और सबसे ज़्यादा सहयोग रखेंगे। तो ये धरना आपका कब से चला और कब तक चलेगा? धरना हमारा आज 3रा दिन है, और जो है जब तक चलेगा, जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होने की।
हम अपनी मांग पर डटे रहेंगे। हमें देख क्या पहले तो कहीं भी धरने टिके थे, और इब जगह जगह वहाँ तुल प्रधान जी बैठे मेरठ में, आपको पता लगा होगा, यहाँ बैठे 96 दिन वहाँ बैठे रहे मिल में। तो मतलब यू जो रवैया सरकार का लगा हमें कुछ ठीक से नहीं लग रहा, यू मामला जो सरकार हमारी गलो कह दी या गर्मी बलो नहीं उतरी के जून जुलाएगी, मेरी समझ में नहीं बात आई। गर्मी तो चढ़ेगी 24 नहीं, ये तो छोड़ ये जर्सी पहन रहे इतनी मोटी मोटी, यू सोच रहे बीवी नहीं चल जाए काम, यू काम चलने का नहीं, यहाँ तो सरकार भी जाएगी 24 भी जागी अटका पे जागी, ये लक्षण लग नहीं रहे यहाँ से कोई भी बीजेपी, 3 दिन हो गए धरना टिक रहा, यहाँ कोई भी नहीं आता। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। अच्छा राशिद भाई, आपको क्या लगता है जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जो मतलब जो मेन हाईवे है वो तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन गांव देहात के अगर सड़कें देखे आज भी वो उसी हालत में है, तो आपको क्या लगता है ये? और वोट जो है रोड के नाम पे ज्यादा मांगे जा रहे हैं कि हम जो है विकास रोड के नाम पे, कोई परेशानी नहीं, यहाँ से जो रोड बनेगा अच्छा तो अच्छा रास्ता भी तो मिलना चाहिए हमें, ये नहीं मानते? जब रास्ता हमने दे दिया, जमीन हमारी चली गई, मिट्टी फ्री दे दिया, और इससे ज़्यादा क्या लोगे बताओ? और वोट अच्छा। तो कुछ नहीं होता, वोट तो ये लेकर चले जाओ नंबर 2 की EVM मशीन में, सब धांधली है, जीत तो में जाएंगे, जीत तो गई अभी तो चाहती नहीं स्टेट जारी स्टेट तो जीत तो में जाई है, वोट तो हमारी गई नहीं वहाँ, बताओ गई हो? हम तो वोट दे ही नहीं सकते इससे, कभी भी नहीं दे सकते। किसा दोगे फिर? वोट देंगे हम कांग्रेस से। अच्छा आपको लगता है पिछले 10 सालों में विकास हो रहे हैं या सुरक्षा को लेकर कुछ चीज़ें ठीक हो रही है? पहले भी ठीक ही थी, अब भी ठीक ही है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें रास्ते की है, रास्ता जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा, चाहे हमारी लाशें पर गुजरना पड़े, चाहे हमारी लाश उठे यहाँ से, बाकी हम उठने के नहीं। अच्छा अधिकारी आपके बीच कितनी बार आए? अधिकारी अभी आए, मेरे ख्याल से तहसीलदार साहब आए, देखो क्या होता है जी, अगर हमें सही निर्णय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो लिखतम में लेंगे, बक्तम में कुछ नहीं चलने का, लिखतम में अगर सर्विस रोड मिलेगा तो हम उठेंगे, नहीं तो हम उठ नहीं पाएंगे यहाँ से। क्या बात, हुक्का पक्का लेगा आगे भी लोग सोच के आए बैठ गए हैं? बिल्कुल बैठेंगे। क्यों बैठे? अजी जमीन दे रखी है अपनी, और अपनी जमीन दे रखी, पैसे भी तो दिए, पैसे दिए नहीं तो दी थी, मगर रास्ता मिल जाएगा। क्या क्या लग रहा आपको? अजी रास्ता लेकर उठेंगे चाहे हम यहाँ मर जाए, जमीन चली गई धक्के से, सुनो हमारी बात, कैसे के दिया 11 लाख रुपए बिका के, 11 लाख तो बने खाने की भी नहीं मिलती, 11 लाख में तो 11 बने खाने की भी नहीं मिलती, ये तो नु है अब सारा धक्का चक्का था भाई, चलिए छटवाते हुए। तो अभी कब तक आप यहाँ पे बैठे रहोगे? हम तो यहाँ से मर जाएंगे चाहे अगर रास्ता लेंगे, बाकी नहीं कर दिया हम इस बाईपास में, बाकी और यू नहीं 3-4 गांव है जो उनसे बाकी कर दिए, जमीन नहीं रही हम कोई नहीं आ रहा दुख में आ रहे, ये बाईपास भर जाए हमारे रिश्तेदारी में भी रिश्तेदार आते, ईमानदारी बात असर पड़े इस बात का। तो सस्ती जमीन आपकी ली गई है? हाँ सस्ती ली गई, अब कहीं से दे दिया जहाँ से कुछ राह पानी नहीं, वहाँ 21 का दे दिया रेट या 11 का रेट दे दिया, यू बाईपास भर जाए यहाँ से, यू रेल वगा इसमें इतना पानी हो जाए, इतना सुना तो सच्ची बात मानी है, ना कोई वाहन आता ना पुलिस आती, काम में लट बजे पुलिस ने राजी आने का। शामली जाम होने के बाद ये सर्विस रोड दे रखा, भले ही ये कच्चा हो आज भी जनता की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये सर्विस रोड पूरी कर रहा है, आज भी लिलोण के अंदर से दिन में को कम से कम 2,000 से 3,000 गाड़ियां निकल रही हैं। इस सर्विस रोड की बदौलत किसान अपनी फसल खेत से मील तक ले जा पा रहा, वरना शामली के अंदर इतना सिटी जाम रहे आदमी अगर बीमार लेकर चलोगे तो मर जाएगा वो जाम में, लाजमी है, सही है। तो भाई साहब सर्विस रोड यहाँ के लिए बहुत जरूरी और ग्रास रूट लेवल की नीड है, अगर इसे प्रशासन समझ ले तो बहुत बढ़िया, नहीं समझेगा तो भाई किसान आम जनता है उसके पास और कोई चारा तो है नहीं, मांगे पूरी करवा के बस वही मांग तो जो ग्रास रूट लेवल की ये है कि सबवे मिले, ठीक है जी। और रही बात ये प्रशासन उठाना भी जाने बनाना भी जाने, तो बेहतर तो है कि आम जनमानस की समस्या को सुन के अधिकारी वर्ग इस पर काम करे, NHAI भी इसमें एक्शन ले और जल्दी से जल्दी इस रोड को भरवाने का कष्ट करे। यहाँ ऐसा धक्का मुक्का है, एक लम्बा जिसकी जमीन गई उसका एक लंबर है 4-5 बीघे का, सुनो उस पर उन्होंने वादा कर रखा था खाड़ देने का और बना बना के भाग रहे, उसको हो गया मारू, वो लंबर मारू हो गया,
यहाँ से इतने दागरे आदमी आवे हैं यहाँ अधिकारी जिसका को ठीक नहीं। अरे इनका मेरी रूप रो भी आगे ना बड़े से बड़े। हम अभी जिला सामली के गांव बलवा में थे और गांव बलवा में जहां पर जो है किसान धरने पर बैठे थे, यहां पर हमने किसानों और गांव वालों से बात की। तो किसानों की मांग है कि हमें फ्लाईओवर के बराबर से सर्विस रोड चाहिए और जब तक हमें सर्विस रोड नहीं मिलेगा हमारा धरना जारी रहेगा। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।